हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी मैथ्स को बिना रट्टाफिकेशन के समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई भी स्टेप कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके पीछे का आपको रीज़न पता हो, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम मैथ्स कवर करेंगे विद कम्प्लीट रीजनिंग। जो भी हम चीज़ अप्लाई करेंगे उसके पीछे हमें रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 14। हमने अभी तक इसमें ग्रुप डाटा के अंदर डायरेक्ट मेथड किया था, आज हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड, राइट? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक क्वान्टिटी में, यानी कि हंड्रेड थाउजेंड्स में है, तो मीन निकालने के लिए जब हमें सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ता है, तो अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसको ऐड करना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल फ्रेम कर देते हैं। जब आप क्लास इंटरवल फ्रेम करते हैं तो इस क्लास इंटरवल का क्या मतलब है? अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका था, हम एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहे हैं, इसको देखते हैं। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। 25 फैमिलीज़ का डेली एक्सपेंडिचर क्या होता है खाने पर, वो दिया हुआ है। 100 से 150 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी 100 से 150 रुपीज़ तक का एक्सपेंडिचर फोर फैमिलीज़ जो हैं करती हैं। अब 100 से 150 का क्या मतलब है? 100 से 150 का मतलब है, अगर किसी फैमिली का खर्चा डेली का 120 रुपीज़ है, तो वो फैमिली भी इसी इंटरवल में ही काउंट की जाएगी। अगर किसी फैमिली का खर्चा 145 है, वो भी इसी में काउंट की जाएगी। यानी कि 100 से 150 तक, 149 रुपीज़ तक जिनका भी खर्चा होता है, वो फर्स्ट इंटरवल में काउंट होता है। अगर किसी का खर्चा 155, 160 या 200 से थोड़ा सा कम तक है, तो वो इस इंटरवल में काउंट होगा, ठीक है? तो ये जो हमने ऐसे क्लास इंटरवल बना दिए और यहाँ पर हमने लिख दी ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो इस क्लास इंटरवल में लाई करती हैं। जब इस तरह की क्वेश्चन में मीन निकालना होता है, मीन का मतलब होता है ऑन एन एवरेज डेली वो फैमिली कितना खर्चा कर रही है। तो अब देखिए, ये क्लास इंटरवल हम इसको वर्टिकल टेबल बना लेंगे। यहाँ पे FI मीन्स फ्रिक्वेंसी, मीन्स हाउ मेनी फैमिलीज, नंबर ऑफ टाइम्स डाटा जो है इस इंटरवल में अपीयर करा, वो है फोर फैमिलीज का। अब देखिए, चार फैमिलीज सभी की जो उनका एक्सपेंडिचर है, किसी का भी एक फिक्स अमाउंट नहीं है, किसी का 110 है, किसी का 120, किसी का 130, तो इन चार फैमिलीज़ का हमें डाटा तो पता नहीं है किसका एग्जैक्टली क्या है। तो उस केस में हम उसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं। इस इंटरवल की मिड वैल्यू आप ले लीजिए, 100 प्लस 150 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 125। तो ये जो क्लास मार्क्स है, इसका मतलब होता है मिड वैल्यू। इसको हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को हम नाम देते हैं XI से। यानी कि हम ऐसा निकालना चाहते हैं कि वो जो चार फैमिलीज इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, वो ऑन एन एवरेज कितना खर्चा कर रही हैं डेली। तो हमने वो कैसे निकाला, इस इंटरवल की मिड वैल्यू लेकर। इंटरवल की मिड वैल्यू कैसे लेनी होती है, उस इंटरवल की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। सो 250 अपॉन 2, दैट इज 125। तो आपके पास 125 आ गया। अब नेक्स्ट है आपके पास 150 और 200। 150 प्लस 200 अपॉन 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 350 अपॉन 2। 350 अपॉन 2 मीन्स 175। अब आप देख रहे हो, यहाँ 125, यहाँ 175, इन दोनों के बीच का गैप जो है 50 का है। तो क्या कोई डायरेक्ट मेथड है जिससे कि हम क्लास मार्क्स सभी इंटरवल का एक साथ निकाल सकें? यस, आप इस इंटरवल की क्लास साइज देखिए। क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कीजिए, 150 माइनस 100, दैट इज 50। इसका मतलब जो क्लास साइज होता है वही डिफरेंस आपका यहाँ पर दो क्लास मार्क्स के बीच में आता है। तो आप अगर इसके अंदर क्लास साइज ऐड करते जाएंगे तो आपके पास सारी क्लास मार्क्स निकल के आ जाएंगी। और 50 ऐड करेंगे तो 175, फिर 50 ऐड करेंगे 225, फिर 50 इसमें ऐड कीजिए 275 एंड देन 325। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट XI।
राइट लेकिन अब हमें निकालना है एज्यूम्ड मीन। अगर मैं अब जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसमें हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि किसी सिंपल तरीके से मेरा ये काम हो जाए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, हम इसमें एज्यूम्ड मीन का मेथड अप्लाई करेंगे। अब जो आपके पास एक्स आई है इसमें से मिडल वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। जैसे कि देखिए मिडल वैल्यू का मतलब है आपके पास कितने इसमें इंटरवल में कॉलम है, 1 2 3 4 5। अब 5 का जो अगर आप हाफ करते हैं तो क्या आता है, 5 का हाफ तो डेसिमल में आएगा 2.5। तो आप क्या कीजिए, 5 + 1 दैट इज 6/2, यानी कि जो थर्ड वैल्यू है वो आपकी मीन बन जाएगी। 225 आपका एज्यूम्ड मीन बन गया। तो आप यहाँ लिख दीजिए हेयर ए विच इज 225, ये आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन। आपने एक नंबर को जो कि मिडल ऑफ द एक्स आई होता है उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और इस एज्यूम्ड मीन को हम एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और एक नया कॉलम बना लेंगे। तो हम यहाँ पे बनाएंगे डी आई विच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए का क्या मतलब है, जो हमने एज्यूम्ड मीन निकाला है हम इस एज्यूम्ड मीन में को एक्स आई में से कॉलम में से माइनस कर देंगे, ताकि आपके पास एक लो छोटी वैल्यू आ जाए जिसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, डी आई का कॉलम निकालेंगे दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो अब यहाँ पे निकालते जाइए, ये आपके पास एक्स आई आ गया और ए आपने 225 लिया है। तो 125 माइनस 225 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 100। उसके बाद फिर लिखेंगे नेक्स्ट आपके पास है 175 माइनस 225 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 50, क्योंकि 225 बड़ा नंबर है इसके साथ माइनस का साइन है तो आपके पास डिफरेंस में माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे 225 माइनस 225 इक्वल टू जीरो। अब 275 माइनस 225 लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 50, और उसके नीचे आपके पास 325 माइनस 225 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आपके पास ये आपके पास डी आई आ गया है। अब आपको एफ आई डी आई का कॉलम निकालना है। अब 4 को माइनस 100 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 400। 5 को माइनस 50 से करूंगी तो माइनस 250। 12 को 0 से करूंगी 0। 50 को 2 से करूंगी तो 100, और 100 को 2 से करूंगी तो 200। ठीक है, आज 400 माइनस 250 आपके पास हो जाता है माइनस 650, और 100 प्लस 200 हो गया 300। अब आप इसमें से 300 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक नंबर माइनस का एक प्लस का है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया माइनस 350। इसका मतलब है इस कॉलम का सम जो आपके पास आया है, इस कॉलम का सम आया माइनस 350। ये क्या निकल के आया है, इस कॉलम का सम। तो इसका मतलब इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ये जो आपके पास है समेशन ऑफ एफ आई है, समेशन का ये साइन होता है, इसको प्लस कर लेते हैं। 2 + 2 = 4, 4 + 12 = 16, 16 + 4 = 20 एंड दिस 25। जो आपके 25 फैमिलीज था उनका टोटल जो एक्सपेंडिचर आ गया है सम करके जो आया है माइनस 350 आया है। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला लगाते हैं एज्यूम्ड मीन का। एक्स बार जो हम सिंबल यूज करते हैं मीन निकालने के लिए, जो एज्यूम्ड मीन हमने माइनस किया था ऊपर अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए माइनस किया था, अब इसी को मीन निकालते हुए हम ऐड कर देंगे, ताकि जो भी हमारे पास वेरिएशन ऊपर सम में आया है वो हट जाए। तो ए प्लस समेशन किसका लेना है, एफ आई डी आई का। वैसे हमने डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई लेते थे, ये फॉर्मूला था हमारा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन अब इस केस में हमने एक्स आई को चेंज कर दिया था डी आई में, तो अब हम यहां लेंगे समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। अब ए आपके पास क्या है, यहां देखिए हमने एज्यूम्ड मीन 225 लिया था, 225 प्लस एफ आई डी आई का सम कितना आया था आपके पास, ये माइनस 350। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 350, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 225 प्लस इसको कटिंग कर लीजिए 5 से, 5 5
25, 5 7 ज़ा 35, जीरो माइनस का साइन लगेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड माइनस का साइन, तो आपके पास आ गया -14। ठीक है, अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 225 -14, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 एंड 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 211। तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज जो डेली एक्सपेंडिचर था 25 फैमिलीज का वो 211 आ गया है। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से देख लीजिए हमने कैसे किया था। सबसे पहले आपने वर्टिकली जो भी इंफॉर्मेशन दी है लिख ली है, ये क्लास इंटरवल है। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी थी यानी कि कितनी फैमिलीज हैं। इस क्लास इंटरवल का आपने एक एवरेज नंबर लेना है जिसको हमने नाम दिया है क्लास मार्क्स का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। ठीक है, कैसे इसको निकालना है, दोनों ही वैल्यूज को ऐड करिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 125। और जो भी क्लास साइज है वो इसमें ऐड करते जाएंगे तो आपके पास बाकी के क्लास मार्क्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन अब ये वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो इसको छोटा करने के लिए जितने भी ये वैल्यूज होती हैं उसकी सेंटर वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आप ये भी ले सकते हैं। आप वैसे तो हम सेंटर वैल्यू ले लेते हैं यानी कि बीच की वैल्यू, तो यहाँ पे दो ऊपर छोड़े दो नीचे छोड़े तो ये जो वैल्यू आई है ये बीच की वैल्यू है, इसको आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया ए। अब अपने एक नया कॉलम डिराइव करना है जिसके अंदर एक्स आई में से इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाना है, क्योंकि बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इस इंफॉर्मेशन को जो है छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट इजी हो जाए। तो 125 -225, तो माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा 100। 175 -225, फिर से 225 बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है तो -50 एंड देन 0, 50 एंड 100। अब आपने इस एक्स आई की जगह डी आई को यूज करना है और एफ आई डी आई का एक नया कॉलम बनाया, उसका सम निकाला। अब आपने जब फॉर्मूला बनाया तो क्या करना है, जो नंबर आपने एज्यूम्ड मीन मानकर माइनस किया था अब उसमें वो ऐड कर दीजिए, प्लस आपने किस कौन सा नया कॉलम बनाया था एफ आई डी आई, तो उसका समेशन डिवाइडेड बाय एफ आई करा, और इस तरीके से आपके पास जो है एज्यूम्ड मीन के मेथड से ये मीन निकल गया। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम सिंपल से सिंपल मेथड को अप्लाई करें ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए और एग्जाम में हम कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।